इन दिस ब्लॉग मैं जा रहा हूँ बारबेक्यू चिकन का मज़ा लेने पिकनिक पे एंड द लोकेशन वी आर गोइंग टू इज रेमता डैम। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दिस इज़ योर होस्ट हर्स और आपका स्वागत है इस दूसरे ब्लॉग में। तो आप ये देख के आप समझ ही गए हो कि मैं कौन सी जगह में हूँ। तो नहीं पता है तो बता दूँ, मैं हूँ काटाटोली चौक वाले एरिया में। पहुँच ही गया काटाटोली चौक, तो आज भीड़ दिख नहीं रही है। सो आज का प्लान कुछ कंफर्म नहीं है अभी, बट आपको थंबनेल देख के कुछ तो आइडिया आ गया होगा। तो अभी मतलब मेन आज का स्टार्टिंग वाला प्लान था ना अपना कि हम लोग ये नक्टा पहाड़ जाने वाले थे, बट हम लोग ना लेट हो गए, मतलब उठने में देरी हुई एंड लोग सबका देरी हो गया। तो हम लोग का भी यही सब सीन है, तो कोई नहीं यार, ऐसा होता रहता है। तो अभी बनी के पास जा रहे हैं हम लोग, बनी भाई के पास। अरे यार, चलो बनी भाई की ओर जा रहे हैं। अभी अभिषेक साथ में है मेरे एंड अपनी डोमी में यार हम लोग, तो मज़ा तो आएगा ही। तो चलते हैं फटाक से सिंह मोड़ एंड सब पार्टी लोग हम लोग मिलते हैं, फिर प्लान बनाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि कहाँ जाने वाले हैं हम लोग आज। और वैसे ज़्यादा लंबा वाला नहीं होने वाला है क्योंकि अभी ऑलरेडी 9:15 हो चुका है। तो थोड़ा आसपास का ही लोकेशन देखेंगे और चलेंगे। अरे भाई ओ भाई, सो फाइनली हम लोग मेन टाउन से बाहर आ चुके हैं। एंड आज ना यार सरप्राइजिंगली ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं मिला मेरे को, सही बता रहा हूँ। देखो उस समय 9:15 हो रहे थे, अभी देखो 9:30 भी नहीं हुए हैं और हम लोग ये एयरपोर्ट वाले जगह पहुंच चुके हैं। अपने लेफ़्ट साइड में जो है वो एयरपोर्ट वाला जगह है, मतलब ये नहीं आगे। तो मतलब इतना जल्दी पहुंच गया ना, मैं मतलब विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि यार इतना जल्दी भी हो सकता है। तो यार देखो बन्नी भाई के घर आए थे, ये तो खुद सो रहा है, ऐसे कैसे चलेगा। अरे ओ इंतजार हम रेडियो, देखो देखो रेडियो के, देखो इतना ज़्यादा इसको जल्दी था ना, इतना इसको वेट नहीं हो रहा था कि रात में ही रेडियो के सो गया था। देख रहे हैं किस स्थिति में सोया था वो पूछो, बताते हैं बाद में आएंगे। तो ठीक है यार, फट से प्लान बनाते हैं ना, हम आपको बताते हैं कहाँ जाएंगे क्योंकि अभी कुछ कंफर्म नहीं है कहाँ जाना है कहाँ नहीं है, तो बताते हैं। हम लोग जा रहे हैं रेमता डैम, ठीक है, डिसाइड हो गया है लोकेशन, सामान वाला पैक हो गया है। अब आपको सीधे मिलते हैं वहीं पर। वेल, जगह तो था कंजस्टेड लेकिन क्या कर सकते हैं, इट इज़ व्हाट इट इज़। देन इसके बाद हम सब बैठते हैं और निकल पड़ते हैं रास्ते पर। एंड सही बताओ ना, बहुत मज़ा आया था रास्ते में। एंड हमें बीच में मिल जाता है ये रेलवे क्रॉसिंग। देन फिर हम नज़ारे का मज़ा लेते लेते, चीज़ों को देखते ही देखते हम पहुंचते हैं गांव में, जहां पर हो रहा था ये फुटबॉल टूर्नामेंट, लेकिन यहाँ तो कोई खेल ही नहीं रहा। फिर हम एक जगह रुकते हैं। हाँ भैया, क्या हो रहा है ड्राइवर भैया? अरे पैसा नहीं मिल रहा भैया, पैसा लगता है वो ज़्यादा ही बिल बन गया। देखो अभी इतना ही तेल भरा, देख रही इतना कम, बताओ थोड़ा सा यार। दुख है भाई, दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख यार। सो भाई लोग उधर पानी भरने गया हुआ है एंड यहाँ पर बनी में अपना दुख जाहिर नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन नहीं है उनके पास। देख लो पूरा मेहनत चल रहा है, त्रिपाल बन रहा है अपना। एंड देखो थोड़ा देर तक मैंने भी हेल्प किया था, लेकिन मैं सोचा कि वीडियो बनाना भी ज़रूरी है, तो ले दिया गया है। अपना सामान हम उतर गया, गाड़ी यहाँ आ गई है और ये रहा अपना डैम। तो इधर देख सकते हो, ये देखो भाई, ये देखो अपना बारबेक्यू होने का सामान वान रखा हुआ है। ये इसमें भाई क्रेडिट हमको तो भाई हम बनवाए भाई। और ये देखो मैरिनेट होने के लिए रखा हुआ था। और ये सब क्रेडिट जाता है बनी भाई को, देखो पूरा बनवा के रखा है। हम बस बोल रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, कुछ नहीं। देखो भाई मेरे को पता तुम लोग पहले सब्सक्राइब हो उसके चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा को करो ये कर लो। इसके तुरंत बाद हम लोग चूल्हे पे आग लगाने का काम स्टार्ट कर देते हैं। आग लगाने के लिए सबसे पहले नीचे डालते हैं लकड़ी का छिलका, देन बीच में कोयला, देन ऊपर से फिर लकड़ी का छिलका, देन लगाया जाता है आग। लेकिन इतने मेहनत करने के बाद भी क्या हुआ वो तो आप आगे ही देख लो। भाई नया चूल्हा बन रहा है अपना, वो वाले में नहीं काम बनता। इसमें दिक्कत क्या है ना, ऊंचा ज़्यादा हो जा रहा है तो टाइम लगेगा इसमें बनाने में, इसलिए अपन वो वाला चूल्हा। देखो पिछले बार तो फेल हो गया था जलाने में, इस बार जल गया है। भाई यहाँ पर ना जगह तो बढ़िया है लेकिन कचरा है थोड़ा सा, तो वही बस एक दिक्कत है। बाकी जगह बहुत बढ़िया है, पिकनिक स्पॉट है ऑल टोटल। एंड हम लोग आए उस समय बस एक ही पब्लिक मतलब एक ही पार्टी थी यहाँ पर। अभी देख सकते हो कितना आ गए हैं इधर पीछे। एंड हम लोग जिधर थे ना उस वाले एरिया में थे हम लोग, उधर भी पूरा लोग भर चुके हैं। तो मतलब ओवरऑल देखा जाए ना हम लोग एकदम परफेक्ट स्पॉट में आए हुए हैं, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। एंड यार टेस्ट, यार भाई टेस्ट का तो कहो ही मत, मतलब इतना मज़ा आ रहा है टेस्ट। भाई मज़ा ही आ गया। मतलब पिछले बार लास्ट व्लॉग में जो कमी रह गई थी वो फाइनली इस व्लॉग में पूरी हुई। यार मज़ा ही आ गया। एंड जगह बहुत ही सही है। एंड देखो अभी पूरी गाड़ियाँ आ रही थी उधर, पीछे में भी देख सकते हो गाड़ी वाड़ी आ गई है, फिर उधर भी भर चुके हैं। एंड अपना यहाँ पर बन रहा है, ये देखो यहाँ पर बन रहा है। और ये देखो इधर का सीन लग रहा ना तगड़ा। भाई पानी आ गया है बहुत खतरनाक, देख सकते हो पूरा सब तरफ पानी ही पानी। इधर हम लोग का बस चूल्हा ठीक ठाक है। भाई बहुत खतरनाक पानी आ रहा है, देख लो तो पूरा पानी बह रहा है इधर, एकदम खतरनाक पानी पानी यार। यार देखो खतरनाक लग रहा है यार, इधर देखो बहुत खतरनाक। मैं भींग रहा हूँ पूरा पूरा यार। मज़ा तो आ रहा है, जो भी बोलो मज़ा तो आ रहा है यार, बहुत मज़ा। भाई तो नहा के आ गए, मज़ा ही आ गया। देखो यार ये अपना लास्ट सीख है, बाकी सब इधर रखा हुआ है कंप्लीट, और लास्ट लॉट बचा हुआ है, लास्ट वाला इधर भी दिखाओ, वो हो जाए उसको खाएंगे। ठीक है यार फटाक फटाक से निकालते हैं सबको खाने के लिए, एंड खाते हैं पीते हैं। मुझे तरफ बहुत मज़ा आ रहा है। एंड ये बारिश कर दिया ना, बस जो मैंने नहा लिया ना मज़ा ही आ गया, मतलब ना मज़ा ही आ गया भाई, मज़ा ही आ गया। और एक कचूल होगा, तुम्हारी मैं 2-3 को पीस डाला तो उसका पक जाता है। वहाँ पर रहती है इधर ये सब पड़ा ना, इधर ऊपर रहा और दो ये हो जाएगा। हाँ बस यार खाते हैं। एंड अभी देखो 6 बजने को है, फटाक से खाना है और निकलना है, तो अभी ऐसा ही खाना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि ग्रेवी वाला तो बनाया नहीं है, रोस्ट ही बनाया है, तो रोस्ट के साथ खाएंगे। तो खाते हैं फटाक से, आप देखते रहो। तो यार खा लिए, मज़ा आ गया, बट ग्रेवी की कमी थी यार। चावल के साथ ऐसा सूखा सूखा नहीं खा पा रहे थे, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, चावल के साथ होगा नहीं। बट ठीक है खा लिए, मज़ा तो आया। लेकिन सीख का यार टेस्ट तो था मज़ेदार यार, मज़ा ही आ गया, कुछ भी बोलो बहुत मज़ा आया। एंड हम लोग थोड़ा सा इधर आए हैं, मतलब थोड़ा सा जहाँ पर हम लोग खा रहे थे वहाँ से थोड़ा दूर। एंड यहाँ पर भी अच्छा लग रहा है यार, जगह अच्छा है। ये देखो है ना, मतलब लग तो मस्त रहा है भाई, जो भी बोलो। हाँ मतलब ना अगर आप रोड साइड से देखोगे ना, यहाँ से क्रॉस करोगे दसम साइड के लिए तो उतना मज़ेदार नहीं लगता है, लेकिन जब अंदर साइड आके देखोगे ना तो भाई जगह अच्छा है। एंड अभी बारिश हो रहा है तो पानी थोड़ा सा चढ़ा हुआ है ऊपर, बट ठीक है मज़ा तो आ रहा है। हाँ तो अब क्या है, अब सब कुछ पैक करना है और निकलने का है, तो ठीक है हम लोग जल्दी जाते हैं, पैक वैक करते हैं। सबका खाना पीना हो ही गया होगा ऑलमोस्ट, तो फटाक से पैक किया जाए और निकला जाए। तो ठीक है यार, आज का ये जो व्लॉग है ना, इसके लिए इतना ही रहेगा। कैसा लगा होगा ज़रूर बताना, अच्छा लगा होगा लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। हम लोग अब निकल रहे हैं, तो सबको बैठ गए हैं, पैक वैक हो गया, देखो पूरा सब हो चुका है। और दो भाई लोग बाइक में आया था, वो लोग बाइक में निकल रहे हैं रेनकोट पहन के। हम लोग सब कार में बैठ चुके हैं, सामान वामान डल चुका है, ये देखो। तो ठीक है, निकल रहे हैं, हमसे मिलते हैं अगले वाले।